आज की वीडियो में बात दोनों तरफ के मीडिया यानी कि गोदी मीडिया और सरकार से सवाल उठाने वाले मीडिया के एंकर्स की पिछली 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे कि किस मीडिया एंकर ने अपनी डिबेट में जनता की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, क्या 150 शिक्षक 10,500 छात्रों को पढ़ा सकते हैं? दूसरा, देश में शिक्षा का बुरा हाल, छात्र बर्बाद, कर्ज से अभिभावक कंगाल। तीसरा, मोइनुल में मनीष, मनीष में मोइनुल, कौन दिखता है आपको? चौथा, पेट्रोल डीजल पर तैर रही है मोदी सरकार की नैया। और पांचवा, किसानों का भारत बंद, भारत में किसान बंद। रवीश अपनी वीडियोस में बढ़ती महंगाई पर अक्सर बात करते हैं। इसके साथ ही रवीश ने शिक्षा के मुद्दे पर भी बात की और कुछ अहम सवाल भी उठाए। कस्बों, जिलों और राजधानियों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का एक अध्ययन होना चाहिए कि किस तबके के छात्र वहां अब पढ़ रहे हैं। अगर गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं है, तब तो गरीब के साथ और भी धोखा है कि वो पेट काटकर कॉलेज भेज रहा है और वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। पता चला कि प्रोफेसर के बच्चे अब दिल्ली चले गए हैं। हालांकि इस कॉलेज की नई इमारत बन रही है जिसके जल्दी ही चालू हो जाने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां क्या हाल था उस पर भी गौर करना जरूरी है। 10,500 छात्रों के लिए 55 कमरे ही हैं, औसत निकालिए तो 190 छात्रों के लिए एक कमरा। इतने बड़े कमरे तो नहीं है, कितनी घुटन हो जाती है। बिहार ने खुशी खुशी अपने बच्चों के बर्बाद होने की रणनीति बनाई है, इसमें बच्चों के माँ बाप का बड़ा योगदान है और बच्चों का तो है ही। बिहार के नौजवानों को खराब शिक्षा व्यवस्था का स्वाद लग गया है, वे इतने सहज हो गए हैं कि इसकी बात भी नहीं करते होंगे। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं वे किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। विरोध करोगे तो गाड़ी से कुचल देंगे, किसानों की मौत के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? दूसरा, महंगाई बढ़ाने में सबका साथ सबका विकास? तीसरा, सड़क ठप, सुप्रीम कोर्ट सख्त, खुलेगा रास्ता? चौथा, यूपी में कानून व्यवस्था सख्त, पुलिस वाले मस्त? और पांचवा, कैप्टन अमरिंदर सिंह खत्म कराएंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट। संदीप चौधरी अक्सर अपनी डिबेट में जनता के मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करते हैं। इस हफ्ते अपने डिबेट में संदीप ने पेट्रोल के बढ़ते दामों की बात की और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल भी किया। हमें भी पीड़ा होती है, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ती है ऐसी बात नहीं है कि हम, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम निश्चित तौर पर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 में जब नारा बुलंद करते थे तुहिन की बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, तो वो नारा बस एक नारा था, वो जुमला था। 9 बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। पिछले साल जब $19 आपने माना कच्चे तेल की कीमतें गई थी, तो तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कम हो सकते थे, तब आपने एक मुश्त 10 रुपए और 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जो आज तक नहीं घटी है, इस बात को भी मानिएगा। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आज उज्ज्वला योजना से लेकर जो सारे सोशल वेलफेयर कार्यक्रम हुए हैं, जनधन योजना है, उन सब में ये इन पैसों का सदुपयोग हुआ है। मुंबई दिल्ली के बीच नई एक्सप्रेस वे कहीं ना कहीं से उनके लिए पैसे जुटाने थे, और मैं ये मान रहा हूँ कि जो हमने जो आम आदमी से ही ले रहे हैं ना, गरीब पर भी इतनी मार पड़ती है, गरीब भी पेट्रोल डीजल खरीदता है। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ के पत्रकार नाविका कुमार की डिबेट की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, RSS नेता राम माधव अपने हिंदुत्व सब पर थोपना क्यों चाहते हैं? दूसरा, रोजगार, किसान, अमरिंदर, हर मुद्दे पर पीयूष गोयल से सवाल। तीसरा, पंजाब में चन्नी सरकार गिराने के लिए क्यों मजबूर हुए कैप्टन? चौथा, कपिल सिब्बल ने बताया कांग्रेस में जी हजूरी वर्सेस जी हजूर का फर्क। और पांचवा, कैप्टन का तेवर या हार का डर, पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू क्यों भागे? नाविका ने अपने डिबेट में कांग्रेस पार्टी से जुड़े मुद्दों पर ही बात की पर महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं की। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। पंजाब और कांग्रेस में हालात ही ऐसे बने हुए हैं, सेकंड सेकंड में खबर बदल रही है, और आपका चैनल, जी हाँ, टाइम्स नाउ नव भारत, हर खबर ना सिर्फ सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, बल्कि हम एक बेहतरीन रिपोर्टिंग टीम के साथ और बेहतरीन पैनल के जरिए आपको खबर का मतलब भी समझा रहे हैं। आज भी आपको इस शो पर वो सब कुछ आगे मिलेगा, खबर भी मिलेगी और बेहतरीन विश्लेषण भी होगा, कांग्रेस भी होगी, कांग्रेस की अपने मुद्दे भी होंगे और बाकी
राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, ये सब आपको आज सवाल पब्लिक का शो पर मिलेंगे। डिबेट पे जाने से पहले आपको बता तो दें, आज कांग्रेस पर गुजरी क्या क्या। अब बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कांग्रेस में विद्रोह काल, कांग्रेस के नेतृत्व पर उठा बड़ा सवाल। दूसरा, कांग्रेस में कोहराम है। तीसरा, कन्हैया आया सिद्धू झटका दे गया। चौथा, आंदोलन में सियासी प्रयोग, सियासी भरमजाल देश पे हाल। और पांचवा, मोदी बाइडेन साथ आतंक पर आघात। अमीश ने अपने डिबेट में देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर तो बात नहीं की, पर पंजाब की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के बीच आपसी तनाव पर डिबेट जरूर करते नजर आए। आज कांग्रेस की कला कथा पर संपूर्ण विश्लेषण का दिन है, क्योंकि पंजाब से जो तूफान उठा उसका गंभीर असर दिल्ली तक दिख रहा है। कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया तो यूथ कांग्रेस या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, गाड़ी तोड़ दी गई, घर के भीतर टमाटर फेंके गए, जिसके बाद खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों मनीष तिवारी से लेकर बाकी वरिष्ठ नेताओं तक सबने कहा कि यह गुंडागर्दी है। पंजाब में चल रहे सियासी हंगामे पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि बहुत हो गया, पंजाब में मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करने की कोशिश अब बंद की जाए। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। सिद्धू पर खींचतान जारी है, घर के बाहर तक कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस में बड़े बदलाव की शुरुआत है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.